हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसपी एजुकेशन। आज वीडियो आम डिस्कशन करवा दशम श्रेणी ज्यामिति अनुशीलनी तीन रा क्वेश्चन आंसर। तो अनुशीलनी तीन रा प्रथमे क विभाग देखिबा। क विभाग एक नंबर क्वेश्चन देख, प्रश्न हो शून्य स्थान पूरण कर है। तो शून्य स्थान पूरण कर बी टन हो एक वृत्तर केन्द्र ओ, वृत्त परिस्थ पी कौन से एक बिंदु एवं पी टी उक्त वृत्तर एक स्पर्शक खंड हेले एम एंगल ओ टी पी के। तो चल आपको करवा कमी आंसर हे। देख गोटे वृत्त अच्छी, गोटे वृत्त देती वृत्तर केन्द्र को सी कही ओ, आ कौन कही बहिस्थ पी कौन से एक बिंदु एवं पीटीयुक्त वृत्तर स्पर्शखंड है। ये मन पी गोटे बिंदु देती मुझ तार पी रु टी हो गोटे प्रकार स्पर्शखंड, तो टी दे दि है पीटी स्पर्श आम जाइए कि आम दरकार पीटी पीटी है स्पर्शखंड। चल आम ओ टी पी के, ओ टी पी ओटी मैंने ये कौनटा के 90 डिग्री हाँ समस्त जान एटा के 90 डिग्री है क्या स्पर्शक वृत्तर जो व्यासार्ध अच्छी है कि स्पर्श बिंदु व्यासार्ध ये परस्पर लंब अंकन कर 90 डिग्री हम एटा। ताप जा सेकेंड क्वेश्चन को देख, बी टू रे कौन प्रश्न अच्छी एक वृत्तर केन्द्र ओ, वृत्तर बहिस्थ एक बिंदु पी एवं पी एक्स पी वाई उक्त वृत्त प्रति अंकित दुईट स्पर्शक खंड एंगेल एक्स पी वाई एक सूक्ष्म कोण और एंगेल एक्स वाई के। देख चित्र कर वृत्त देला केन्द्र है ओ, तापर आ कौन कही पी एक्स पी वाई अंकित दुईट स्पर्शक खंड है, पी एक्स पी वाई है दुटा स्पर्शक खंड हेले। देख ये पी रखी मु पी रु एक्स करी आपको कौन करी पी रु वाई करी मुझे कहला एंगेल एटा एक्स देदेली एटा वाई देदेली है आपको जाए। तापर एंगेल एक्स वाई एक कौ कण बोली पचारे कौन एंगेल एक्स पी वाई एक सूक्ष्म कण मान यहाँ जो सूक्ष्म कण दिए सूक्ष्म कण तर जॉइन कर दियो से पचारे ये कौन पचारे तो कौन निहत स्थूल कण हम आहत स्थूल कण कम तुम बुझे ये दिन मिसले के लिए 90 डिग्री ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री मैं ये मिसले का शहे से गला ना चतुर्भुज देखुच पी एक्स ओ वाई चतुर्भुज एंगेल पी हो शुण एक्स वाई दुटा कोण का मिस शहे तेल जो पी कोंडा ओ कोंडा ये मिसले के सहस हम पी आ मिसले सहस से भितर पीटा गोटे सूक्ष्म कण सूक्ष्म कण मैंने तुम्हें धारण मन कर पीला तुम 80 डिग्री नल तेल ये जेहतु शहे हम ना शहे मैंने गोटे स्थूल कण हो तुम 60 नब तेल सी 120 हम तुम से सूक्ष्म कण स्थूल कण होगा बुझल पी जब सूक्ष्म कण होगा ओ कण हो गए स्थूल कण हो पीटा स्थूल कण दी था गोटा सूक्ष्म कण होता है कहीं ऊपर दिन मिसले सहस बुझे समस्ते। तो यहाँ कौन लिख तुम्हें एंगल एक्स ओ वाई एक स्थूल कोण को लिखिद कि कौन स्थूल कोण ठीक अच्छे। तो बिट वन टू सरलापर आम देखा बिट थ्री, नेक्स्ट बिट थ्री देख कौन अच्छी एक वृत्तर केन्द्र ओ, वृत्तर बहिस्थ एक बिंदु पी एवं पी टी उक्त वृत्त प्रति एक स्पर्श खंड हेल्ले एंगल टीओपी आउ टीपीओ के है कि चित्र देख ये आपको मैं तलू नौ चित्र करी सुविधा हाँ। देख वृत्तर केन्द्र है ओ, ओ हूँ केन्द्र तापर बहिस्थक बिंदु है पी आ पीटी उक्त वृत्त प्रति अंकित स्पर्श खंड पी दे दि पी रु टी अंकन कर दिखाला टी दे दि पीटी है स्पर्श खंड तापर एम एंगल टीओपी टीओपी मान ये देख टीओपी मान ये कोणटा है से कोणटा आम एंगेल टीपीओ टीपीओ मैंने कौन एटा ये मिसले कहते तुम जान यहाँ 90 डिग्री कौटा एंगेल टी कोणटा 90 डिग्री जी सी 90 डिग्री है त्रिभुज बाकी दुरा कौन मिसले कहते हैं 90 डिग्री हम कहीं त्रिभुज तीन टा कौन शहे सी गोटे जो 90 डिग्री है तो बाकी दुरा कौन मिसले कहते हैं प्लस एटा मिसले आउ 90 हम ना तो आंसर हो 90 डिग्री है। देख बिट फोर कौन अच्छी एक वृत्तर केन्द्र ओ, वृत्तर बहिस्थ एक बिंदु पी एक्स पी एक्स पी वाई दुईट स्पर्श खंड हेल्ले एक्स ओ पी कोण डेस कोण समपरिमाण विशिष्ट आउ वाईपीओ कोण आउ कौ कोण मैंने आ सहित किए सामान आ सहित किए सामान से कही है कि ताक मत चित्र अंकन करा पड़ो आमको देख चित्र अंकन कली कौन कर पी देवी पी रु एक्स अंकन करा पड़ो आ पी रु वाई अंकन करा पड़ो सबुजा नंबर क्या स्पर्श खंड देपर कौन कही एंगल एक्स ओ पी ओ दे दि एक्स ओ पी है एंगल एक्स ओ पी कोण डेस कोण समपरिमाण विशिष्ट मैंने एक्स ओ पी
सर एक्सओपी मान कौटा कहल मैंने ये कौन सी का सामान अच्छे तलटा सह सामान हम वायओपी सह सामान हम तेनाली तुम कौन लिख एक्सओपी वायओपी सह समकोण समपरिमाण विशिष्ट वायओपी सहित सामान से वाइपीओ वाइपीओ मैंने ये कौन ये तल कोणटा क्या सामान है उपर कोण सह सामान हम उपर कोणटा मैंने जोड़े कि एक्सपीओ वाइपीओ एक्सपीओ सह सामान हम है तापर जी नेक्स्ट क्वेश्चन कहे नेक्स्ट बिट फाइव देख कौन अच्छे एक वृत्तर केन्द्र ओ एवं व्यासार्ध आर वृत्तर समतल पी एक बिंदु एवं ओपी और आर मध्य डेस बृहत्तर हेले पी बिंदु वृत्त प्रति एक स्पर्श खंड अंकन संभव मैंने कौन कह देख गोटे वृत्त दे व्यासार्ध आर वृत्तर समतल पी एक बिंदु एवं ओपी और आर मध्य डेस बृहत्तर हेले पी बिंदु वृत्त प्रति स्पर्श खंड अंकन संभव पीड़ा बाहर रेल का कौन ना पी बाहर हो तुम स्पर्श अंकन कर ठीक अच्छे कहीं व्यासार्ध है आर व्यासार्ध है आर ठीक अच्छे एम कौन कर आर ये ओपी दूर रखियो तो निहाती एटी ओपी जब बड़ हो पी गोटे बहिस्थ बिंदु हम तो बहिस्थ बिंदु का तुम गोटे स्पर्श अंकन करपरिस्थ बिंदु कि सामान हे कि हेनी बुझिपार ना से कौन कह ओपी ओ आर मध्य डेस् बृहत रही पी बिंदु वृत्त प्रति स्पर्श अंकन अंकन कर पीड़े बहिस्थ हो पड़े पी बहिस्थ हो ओ आर मत कह जो आर टा बड़ा हम ना ओपीटा बड़ा हम नहीं ओपी बड़ा हम बुझे ना पुण थे कहूँ तुम दी से कौन कह वृत्त कही कौन व्यासार्ध है आर एकक से कह गोटे गोटे बिंदु तुम्हें वृत्त प्रति स्पर्श अंकन कर बिंदु वृत्त प्रति स्पर्श अंकन कर बिंदु नि वृत्त बाहर रहा पड़ो बाहर रही जाए सीना तुम तरह स्पर्श अंकन कर ना हम कि हमने जब बाहर रोचे तेल से केन्द्र ठारू से बहिस्थ बिंदु तो निहत अधिक हम से पचार ओपी आर मध्य किए बृहत्तर हम नि ओपी का बृहत्तर हेल्ले आम से पी बिंदु बहिस्थ गोटे वृत्त प्रति स्पर्श अंकन कर तो ये आर टा सान पड़ो व्यासद सान ओपीड़ा बढ़ा पड़ो बढ़ जाए पीड़ा बाहर रोज आज ओपीड़ा सान हो से वृत्त भितर रही ना वृत्त भितर आम कौन स्पर्श करें कि ना ये बढ़ा पड़ो ओपीड़ा बुझल तापर बीटी सिक्स देख नेक्स्ट कौन अच्छी जान लो ना किए बढ़ ना ओपी बढ़ाव ये 5 सेमी व्यासार्ध विशिष्ट एक वृत्तर केन्द्र ठार 13 सेमी दूर से वृत्तर समतल में अवस्थित एक बिंदु पी हेले पीटी स्पर्श खंड दैर्घ्य केते से कौन कह देख 5 सेमी व्यासार्ध विशिष्ट एक वृत्तर केन्द्र ठार तुम 13 सेमी दूर से वृत्तर समतल अवस्थित एक बिंदु पी चित्र कर बुझ वृत्तर व्यासार्ध 5 सेमी से केन्द्र 13 सेमी दूर से आ वृत्तर समतल अवस्था एक बिंदु पी देव सामान 13 सेमी दूर गोटे बिंदु पी है व्यासार्ध के व्यासार्ध है आर के 5 सेमी आम कौन 13 सेमी दूर गोटे बिंदु पी देखे तो बाहर बस 8 सेमी हम ये बुझे समस्त ना तापर कौन कह पीटी स्पर्श खंड दैर्घ्य के पचार पीटर दैर्घ्य पी रे जो टी स्पर्श अंकन करवा जो पीटी स्पर्श अंकन करवा सी निहती कौन टी जिस एटी से तो जो 5 अच्छे एमती करदे तुम एट 5 नहीं जाओ है सी 5 आई के पूरा ये हूँ आम 13 सेमी कहीं से कही ना केन्द्र ठारू 13 सेमी दूरी गोटे बिंदु पी अच्छी आता व्यासार्ध है 5 तो ये समकोण ये समकोण 13 है तार कर्ण ये गोटे बाहू तो गोटे भाव कमी आ 13 स्क्वेयर माइनस 5 स्क्वेयर करदेव कैसे तुम 13 स्क्वेयर माइनस 5 स्क्वेयर रुट ओवर 13 स्क्वेयर है 67 5 स्क्वेयर है 25 67 पचारे के 144 144 वर्गमूल है 12 तो ये आंसर कौन तुम 12 हम ठीक आंसर है पिटी के आसला पिटी आसला 12 बुझल तापर जी नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट बिट 7 देख बिट 7 कौन क्वेश्चन कही केन्द्र ओ एवं आर सी व्यासार्ध विशिष्ट एक वृत्तर समतल में वृत्तर बहिस्थ एक बिंदु पी ठार उक्त वृत्त प्रति अंकित स्पर्श खंड दैर्घ्य टी सेमी हेल्ले ओपी इज इक्वल टू के देख सबुठ वृत्त अंकन कराया पड़े ना बुझे आनी तो वृत्त अंकन कले आर सेमी व्यासार्ध आउ कौन कह बाहर गोटे बिंदु पी अच्छी है पी रु अंकित स्पर्श कला पिटी जो स्पर्श खंड कौन पिटी ठीक अच्छे तो कौन कह स्पर्श खंड दैर्घ्य हो टी सेमी मैं दैर्घ्य पूरा टी ओके आउ ओपी के पचार ओ आ आर दे व्यासार्ध है आर सेमी आ स्पर्श खंड है टी सेमी ओपी के पचार मैंने कौन कलंडा पचार तो कौन हम आर स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर रूट ओवर हो गए समकोण त्रिभुज कलंडा कमी जानवे
बाहु दुटा स्क्वेयर कर रूट ऑफ नहीं जीव आर स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर टी स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर रूट ऑफ कर देबो सरला तापर चल नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा आबे नेक्स्ट प्रश्न पढ़ कौन अच्छा हमारा हालां मैं लिखी दूसरी ठीक है कौन ना टी स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर रूट ऑफ जोड़ लिखे लिख दुईट बहिस्पर्श वृत्तर सरल साधारण स्पर्शक संख्या केते ये जो बहिस्पर्श ना कि बाहर दुईटा पार्श्व स्पर्श कर स्पर्श कर सरल साधारण स्पर्शक सरल मान एक पार्श्वर थी पड़ो वृत्त दुटा केन्द्र तो ये गोटे है ये गोटे दुटा है ना दुईट बहिस्पर्श वृत्तर सरल साधारण स्पर्श कहते हैं दुई आ तिर्यक साधारण स्पर्श मान जोड़ा केवल मझे का गुड़ा बनाई पार एक है तापर क्वेश्चन से बदल गला कहला दुईट अंतस्पर्शी वृत्त है अंतस्पर्श अर्थ कौन सी परस्पर से मैंने वृत्तर गोटे वृत्त थी आ गए भितर आद कर तुमको केवल सरल साधारण स्पर्श गोटे मिल तार गोटे पार्श्वर ए वृत्तर केन्द्र ए वृत्तर केन्द्र अच्छे तेनाली सरल साधारण स्पर्शक एक कि तिर्यक साधारण स्पर्शक जीरो किसी भी तुमको सीटी तिर्यक साधारण स्पर्शक मिल नेक्स्ट परस्पर बहिस्थ होता दुईट अणछेदी वृत्तर परस्पर बहिस्थ होता दुईट अणछेदी वृत्त मैंने किए टच कर वृत्त दुटा है गोटे अंडा हो गला तो सरल साधारण स्पर्श के तुमको गोटे मिल आ गए तला गोटे मिल दुटा मिल तो दुई तिर्यक के तिर्यक मैं तुमको दुटा मिल गोटे एमती जीव है सैज रे करा मुझे कर ठीक है छेद हो गला आगे एमती गोटे आस दुटा मिल बुझल तो सरल दुईटा तिर्यक दुईटा परस्पर बहिस्थ हो ना दुईट अणछेदी वृत्त बहिस्थ हो ना परस्पर बहिस्थ हो ना मैंने बहिस्थ न दुईट अणछेदी वृत्त मैंने कौन थी गोटे थी आता भितर थी तुमको कौन सी भी स्पर्शक मिलना ना ना साधारण स्पर्श मिल ना तिर्यक मिल ना आड़ कौन थी मेरे भूल गली सरल साधारण किसी मिलनी जीरो जीरो है जदि परस्पर बहिस्थ न मैंने गोटे वृत्त भितर आउट थोड़ा सर तुमको कौन सी भी स्पर्शक मिल ठीक है बिल्कुल भी तुम स्पर्शक मिलनी सी कहीं कौट तुम जो कर बिल्कुल मिलोनी दी जाक को जा कमन स्पर्श तुमको कौटे मिलोनी ताप देख नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिभुज एबीसी रे त्रिभुज एबीसी रे एबी इज इक्वल टू एसी है त्रिभुज अंकन कर ए बी सी एबी इज इक्वल टू एसी तापर एबीसी रो परिवृत्त उपरिस्थ ए बिंदु अंकित स्पर्शक उपरे पी एक बिंदु परिवृत्त त्रिभुजर मैंने तुम वृत्त अंकन कर तार से कौन कह ए बिंदु अंकित स्पर्शक उपरे पी एक बिंदु है कि ए रे तुम जो स्पर्श अंकन कर स्पर्शक गोटे बिंदु हो कि पी हेल्ले जपरी पी ओ बी बिंदु द एसी विपरीत पार्श्व अवस्थित केमी कह पीड़ा पी बिंदु एवं किए बी बिंदु एसी विपरीत पार्श्व है कि कौन कह एसी विपरीत पार्श्व अवस्थित पी बिंदु आउ बिंदु पी आउ बी एसी विपरीत पार्श्व अवस्थित है कि तो सर गोटे पास पी है पीड़ा पीड़ा एक्ट रखा पड़ा कहीं देख एसी आम अच्छी देखो ना एसी एमती अच्छी तार गोटे पार्श्व बी बिंदु है आ गए पार्श्व पी बिंदु है ओल्टा रहा पड़ो करदेली तेल एसी विपरीत पार्श्व अवस्था है एम एंगल पी ए सी सतुरी पी ए सी सतुरी मैंने यहाँ है सतुरी जब सी ए सतुरी है तुम जान ना यहाँ मतलब सतुरी का हे तो मुझे शिखे थी है वृत्त भितर जो एकांतर कौन परस्पर सामान ना वृत्त भितर जो अंकन हो तेणु ये कौन तुम यहाँ एम एंगल ए बी सी पचास ए बी सी के सतुरी होगापर सेमती एटा जो हम ना सी कौन सत हम बट से पचार नहीं मुझे मुझे खाली बारटा देती सीटा सतुरी देखिए यहाँ पचारे सतुरी हम हाँ तो आंसर कौन हो सतुरी डिग्री नेक्स्ट क्वेश्चन देख तापर एटा मुझे लिखे दूचे कौन अच्छे क्वेश्चन गोटे वृत्तर व्यासार्ध 8 सेमी हेले यार दुईट समांतर स्पर्शक मध्यवर्ती दूरता 1.5 सेमी वृत्तर व्यासार्ध 8 सेमी गोटे वृत्त तार व्यासार्ध हूँ 8 सेमी से कही कौन दुईट समांतर स्पर्शक मान गोटे स्पर्शक एमती नहीं जाओ आ गए समांतर कर ठीक तले नहीं जाओ समांतर स्पर्शक मध्य दूरता व्यासार्ध के आठ बजे ये आठ तले आठ हम तो मोटा लगे षोह है ना नेक्स्ट क्वेश्चन देख तापर गोटे बहिस्पर्श वृत्तर केन्द्र देह मध्यवर्ती दूरता होती वृत्त देहर व्यासार्ध मानक डे सह सामान बहिस्पर्शी वृत्त अर्थात से वृत्त किए क्या
छेद करना मैं बाहर स्पर्श कर केन्द्र द्वय मध्यवर्ती दूरता होती वृत्त द्वय व्यासार्ध मान डे सामान वृत्त व्यास मान जोगफल होगा कि यहाँ मन आर वन एटा मन आर टू तक आर वन प्लस आर टू हो मैंने कौन व्यासार्ध द्वयर व्यास मान जोगफल सहित सामान बहिस्पर्शी मैंने जोगफल अंतस्पर्शी मैंने वियोगफल मन रख है ये लिखी जो अंतस्पर्शी वृत्तर केन्द्र द्वय मध्यवर्ती दूरता अंतस्पर्शी मैं गोटे एमती अच्छे आ गए दु तीन टच कर केन्द्र द्वय दूरता मैंने कौन कहला यह पचार जो तुम कौन कर माइनस करद बड़ सामने फेरेद इट लिखे वियोग फल सहित सामान व्यास मानकर वियोग फल सहित सामान होगा। नेक्स्ट एक सरल रेखा उपरिस्थित गोटे बिंदु ती ठार सरल रेखाटी सर्वाधिक डेस द्रुतर साधारण स्पर्श हो पार से कौन कहला सरल रेखा उपरिस्थित गोटे बिंदु पी ठार है सरल रेखा पर गोटे बिंदु पी अच्छी से सरल रेखाटी सर्वाधिक डेस टी द्रुतर साधारण स्पर्शक हो पार से कितने वृत्त साधारण स्पर्शक हो पार यहाँ चाहिए प्रश्न आंसर कौन हम कितने वृत्त से साधारण स्पर्श हो पार ना असंख्य वृत्त हो पार कमी तुम बुझे मुझे लिखी बुझे तुमको ठीका कौन कह सरलरेखा प्लस तो पी गोटे बिंदु अच्छे यहाँ गोटे सरलरेखा तप मैंने गोटे बिंदु है पी है पी ठार सरल रेखाटी सर्वाधिक कतोटी वृत्तर साधारण स्पर्शक हो पार कतोटी वृत्तर साधारण स्पर्श हो पार देख एम तुम्हें कहींपर है दुटा वृत्त साधारण स्पर्श कला कि तुम ये करपर तीन टा वृत्तर साधारण स्पर्श कला चार्टा वृत्तर साधारण स्पर्श कला से बिंदु पीठा रहेगा देखो ना एमती आहरी जीव एमती आहरी आसो तो असंख्य वृत्तर से सरल रेखा पर साधारण स्पर्श हो पार साधारण स्पर्श मान कौन कि सबुजा वृत्तर जितने वृत्त ना से वृत्तर कमन सी गोटे होती है मैंने से स्पर्श गुड़ा सब वृत्तर थी पड़ो देख मैंने आपको एस वन देते एस वन वृत्तर भी से स्पर्श से सरल लेखा एका एस टू वृत्तर भी सेगा एस थ्री वृत्तर भी सेगा एस फोर भी एस फाइव एस सिक्स तुम असंख्य वृत्तर से गोटे साधारण स्पर्श हो पार बुझल तुम गोटे आंसर कौन हम असंख्य ओके तो यहाँ आम कौन देखे एक नंबर डिस्कसन कले नेक्स्ट भिडियो आम अनुशीलन तीन रुई नंबर क्वेश्चन आंसर गुड़िक आलोचना करवा चलो वीडियो को समाप्त करवा थैंक यू।